हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप भी करना चाहते हैं अपने बालों को लंबे घने और आपके बाल भी शाइनिंग करेंगे? बहुत लोगों के बाल एज से पहले ही वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डैंड्रफ, जू, लीक और गंजेपन की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं, केवल घर पे बैठ के आप अपने बालों को लंबे कर सकते हैं, घने कर सकते हैं और शाइनिंग भी दिला सकते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने अपने बालों पर अप्लाई क्या किया है, यानी आपको महंगे प्रोडक्ट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेहंदी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताऊंगी किस तरीके से आप रातों रात अपने बालों को घने कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं, ये लिया है प्याज। प्याज आपको पता ही है कि बालों को एकदम लंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड गाइस, प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना समझ में नहीं आए कि इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है। इस तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले हमें कटिंग करनी है प्याज की, जिस तरीके से आप नॉर्मली काटते हैं प्याज को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारीक पीस में काटना है, कोई सा भी साइज काट सकते हो आप प्याज का। तो इससे ये होता है कि हमारे बालों में, जड़ों में जब तक प्याज पहुंचता है ना, तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो भी आपके ज़्यादातर बालों के क्या होता है कि गंजापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा नहीं कि बड़ों में बढ़ गया है, छोटे लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। छोटे लोगों के भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठ के अपने बालों को लंबे घने कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से आप ये रेमेडी घर पर अप्लाई कर सकते हो बना के। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले अच्छे से इसको काटना है। बहुत लोगों के बेबी हेयर्स नहीं आते हैं हेड पे, तो आप भी प्लीज़ इसको अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपके बाल नहीं आ रहे हैं यानी कि सिर पे, तो आप भी अपने बालों को एकदम लंबा कर सकते हैं। बहुत लोगों के बाल डैमेज होते हैं, टूटते हैं, दो में बाल बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारे बालों की ग्रोथ है ना, वो जो थी वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए मैंने आपके साथ ये रेमेडी शेयर की है। तो यहाँ डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती एक तरीके से बालों की जान होती है। हम लोग इसको ब्यूटी टिप में भी ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, एंड हमारे बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है ये। तो ये सब क्या करना है, इसको सबसे पहले लेना है पानी। पानी ऐसा नहीं कि आप ठंडा ले गर्म ले, आप नॉर्मल पानी ले पहले, सबसे पहले। एंड देन उसके बाद में प्याज को सबसे पहले डाल दें, जो एक प्याज हम लोगों ने कटिंग किया था, काटा था उसको। और ये रेमेडी आप बस जिस तरीके से आप गर्म पानी करते हो ना, उस तरीके से आप इसको रेमेडी को तैयार कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और आपको पता है कि अगर आप ऑनियन का जूस डेली काम में लोगे ना, तो आपके बालों में तो वैसे ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाल लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके बाल जो टूट रहे हैं ना, वो डबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ एक चम्मच मैंने डाली है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपको पता है कि बालों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेचुरल जो डाई होती है ना, वो इसी से हमारे बालों को मिलती है। तो यहाँ डाला है लहसुन। लहसुन हमारे बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लहसुन भी एक तरीके से ब्यूटी टिप में गिना जाता है। हम लोग जब नाखूनों में यूज़ करते हैं तब भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसको गैस के ऊपर हम लोग चढ़ा देंगे। अब इस तरीके से इसको अच्छे से उकाल दिलानी है, 2 से 3 मिनट। जब तक उकाल अच्छे से नहीं आ जाए, फुल फ्लेम पर हमें इसको रखना है। देख सकते हैं, हल्के से उकाल आना स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसको जस्ट रखोगे ना, तो जस्ट उकाल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी भी हमारा ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्याज ले रहे हो, एक चम्मच ले रहे हो चाय पत्ती, और आपने पानी फुल भगूनी भर ली है। ऐसा नहीं करना, हमें पानी क्वांटिटी अकॉर्डिंग लेनी है। एक गिलास ही पानी लेना है। अगर हम लोग एक प्याज ले रहे हैं और एक चाय पत्ती की चम्मच ले रहे हैं, तो हमें एक गिलास ही पानी का यूज़ करना है, वरना जो इसके जो पोषक तत्व होते हैं ना प्याज के और चाय पत्ती के, वो पूरी तरीके से हमारे बालों को नहीं मिल पाएंगे। जो स्कल्प होती है ना बालों की, वहाँ तक अच्छे से जो इसके पोषक तत्व होते हैं ना, वो नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए देख सकते हैं, यहाँ मैंने कम ही पानी का यूज़ किया, अच्छे से उकाल आ गया। एंड कलर देख सकते हैं पानी का, पहले कितना प्योर था, और अब देख सकते हैं जो सारे मिनरल्स हैं ना, जो सारे पोषक तत्व हैं जो मिलने चाहिए ना, वो सारे पानी के अंदर मिल चुके हैं। तो मैंने यहाँ गैस बंद कर दी है। एंड इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने छान लिया इसको, इस तरीके से अच्छे से छान लेना है। और एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जैसे हम लोग कोई रेमेडी बनाते एकदम गर्म होती है, तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो वो जस्ट यानी कि बनाने के बाद में अपने बालों में अप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि उसको थोड़ा ठंडा होने देना, नहीं, जस्ट लगाने स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद में फिर अपने बालों में अप्लाई कीजिए, इसके रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपके बाल डैमेज होने से भी बचेंगे, और जो बाल टूट रहे हैं ना, वो भी आना स्टार्ट होंगे। पर आप गरम गरम रेमेडी को कभी मत लगाना, चाहे आप कोई सी भी रेमेडी लगाओ। तो यहाँ डाला है शैम्पू।
शैम्पू हमारे बालों में जो भी गंदगी होती है उसको निकालने का काम करता है, एंड हमारे बालों में जो शाइनिंग दिलाने का काम करता है ना, वही करता है ये। बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे शैम्पू क्लिनिक प्लस वाला बताया है, बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें अगर हमारे पास ये नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जो शुरू से कैसा भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी यानी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, आप वही शैम्पू यूज़ करें। ऐसा नहीं कि मैंने ये डाल दिया तो आप भी यही डालें। आप जो शुरुआत से कर रहे हो वही यूज़ करें। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट बदलते रहते हैं अपने बालों के लिए, शैम्पू बदलते रहते हैं, तेल बदलते रहते हैं, इसी से हमारे बालों की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है और हमारे बाल होते हैं ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते और वाइट भी बहुत जल्दी होते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने तेल बदलते हो, यानी कि सिर में लगाने वाले, हेयर्स पे लगाने वाले, अगर आप शैम्पू बदलते हो तो आप जो शैम्पू शुरुआत से यूज़ करते हो आप वही यूज़ करें, और जो आप यानी कि शैम्पू और तेल जो आप शुरुआत से यूज़ करते हो वही यूज़ करें हमेशा के लिए। इसीलिए हमारे बाल जो ग्रोथ करने चाहिए ना वो रुक जाते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी शैम्पू करें इस रेमेडी को ज़रूर लगाएं। अगर आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है तो शैम्पू हटा के आप इस रेमेडी को लगा के रात तक रख सकते हैं, सुबह धो सकते हैं। अगर आप शैम्पू डालेंगे तो आपको जस्ट धोना पड़ेगा। तो गाइस आपको ये रेमेडी कैसे लगी मुझे कॉमेंट